भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, उसको नमन वंदन करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सबके लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान किए। इन्हीं ऐश्वर्यों के बीच में हमारा संपूर्ण जीवन होता है और इन ऐश्वर्यों को प्राप्त करके हम ऐश्वर्यवान होते हैं। लेकिन हम सामान्य रूप से व्यक्ति का जीवन देखें तो व्यक्ति व्यक्ति के अंदर हमें अंतर देखने को मिलता है। इन्हीं सभी ऐश्वर्यों के बीच जो पंचभूतात्मक यह देह से लेकर के पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में जो भी ऐश्वर्य हमें परमपिता परमात्मा ने इस रूप में हमें प्रदान किया, उसी के बीच में रहते हुए एक व्यक्ति सुखी हमें देखने को मिलता है, खुश मिलता है और आनंदित मिलता है, और उसी के बीच में रहते हुए एक व्यक्ति दुखी, और विशेष रूप से हम देखें तो अलग अलग प्रकार की कई सारी समस्याओं से घिरा हुआ मिलता है। आखिर ये अंतर क्यों है कि यही पंचभूतात्मक देह और ब्रह्मांड से ही ये सारा कुछ बना हो और इसी के बीच में हमारा पूरा जीवन हो और इसी के बीच में एक व्यक्ति सुखी है और एक व्यक्ति दुखी है? तो उसका कारण है ज्ञान। हमारा जैसा ज्ञान होता है वैसे ही हम हमारा व्यवहार होता है, और जिस प्रकार से जिस पदार्थों के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं उसी के आधार पर उससे हमें सुख या दुख हमें प्राप्त होता है। कई बार हम देखते हैं एक ही परिस्थिति है, एक ही पदार्थ है, एक ही प्रकार की क्रिया है, फिर भी उसके परिणाम में एक व्यक्ति उसी क्रिया से या उसी पदार्थ से सुखी है, उसी परिस्थिति से सुखी है, और उसी क्रिया पदार्थ या परिस्थिति से दुखी है। उसका मूल अंतर होता है हमारा ज्ञान। इसलिए परमपिता परमात्मा ने पंचभूतात्मक इस संपूर्ण सृष्टि को रच करके हमें हर प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करके उसके साथ साथ हमें परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया कि हमें इस ऐश्वर्य का कैसे प्रयोग करना है, इस ऐश्वर्य के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है, किस प्रकार से हमें इसका उपभोग करना है तो हम अपने जीवन में सुखी या खुशहाली होंगे और अंततो गत्वा हम अपने पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त कर पाए। इसलिए हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया और उस वेद रूपी ज्ञान के अंदर हम देखें तो उस वेद रूपी ज्ञान में हमें अलग अलग प्रकार से और अलग अलग रूपों से कई सारे कर्मों को करने की विधि और निषेध एक रूप से हमें देखने को मिलता है। एक है विधि और एक है निषेध, और इस विधि और निषेध के आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं या अपने जीवन को हम अग्रसर बनाते हैं। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को उन्नत बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे कर्म कारण होते हैं। जितना उत्तम और श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं उतना ही उत्तम और श्रेष्ठ हमारा जीवन बनता है, और जितना हम निम्न कार्य करते हैं उतना ही हमारा जीवन निम्न होता है। इसलिए उच्च जीवन के लिए हमें उच्च कर्म, बड़े कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने की आवश्यकता होती है, और वेदों ने अलग अलग कर्मों के बारे में जहां हमें बताया उसमें सबसे श्रेष्ठतम कर्म कोई है तो वह कहा कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतम कर्म। ऐसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूपों में यज्ञ को एक श्रेष्ठतम कर्म के रूप में बताया। यह जो यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म के रूप में बताया, उस यज्ञ की बहुत सारी वैज्ञानिकता है, बहुत सारे लाभ है और बहुत सारा उसमें संभावना है। आज समाज में या संसार में हम यज्ञ नाम लेते हैं, हमारे सामने जो स्मृति बनती है तो केवल मात्र एक कर्मकांड या पूजा पाठ की पद्धति मात्र रहती है, लेकिन आज हम इस यज्ञ की क्या वैज्ञानिकता है उसका जो एक पहलू है उसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और आपके सामने रखेंगे। जैसे हमने पहले सूचित किया कि यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है, यज्ञ एक सूक्ष्म विज्ञान है, पदार्थों को सूक्ष्म करके उससे अनंत गुना लाभ उठाने की एक सर्वोत्तम और सरलतम कोई विधा है तो वह यज्ञ है, वह अग्निहोत्र है, वह हवन है। यज्ञ के माध्यम से सुचि जीवो अग्नि सहस्र आरंभ, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने कहा कि पवित्र ज्वाला वाली यज्ञ अग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। तो कैसे प्रदान करती है? तो वह प्रदान करती है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से।
आज वर्तमान युग एक प्रकार से हम कहें तो नैनो टेक्नोलॉजी का युग है, तो उससे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जिन सुख सुविधाओं को या जिस टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग ले रहे हैं, वह टेक्नोलॉजी धीरे 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 नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है। नैनो का अर्थ होता है सूक्ष्म, नैनो का अर्थ होता है छोटा। कोई भी पदार्थ जितना ज्यादा छोटा और सूक्ष्म होगा और उतना ही ज्यादा वो उपयोगी भी होता है, उतनी ही ज्यादा उसकी शक्ति बढ़ती है। जैसे सामान्य रूप से आज हम देखें वर्तमान समय में, आज हम इलेक्ट्रिसिटी में क्रांति देखें, तो उसमें विद्युत के जो उपकरण बनाए जाते हैं, हम बल्ब को ही देखें जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, पहले जो शुरुआत में था वो एक अलग प्रकार का था। वो अधिक मात्रा में ऊर्जा लेता था, जगह को ज्यादा घेरता था और प्रकाश कम मात्रा में देता था। जबकि जैसे जैसे वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आया, एलईडी से लेकर के अलग अलग कई सारे प्रकार की जो लाइट्स है, आकार उसका छोटा हो गया, कंज्यूम अर्थात उसके लिए जो एनर्जी का सोर्स चाहिए वो कम हो गया और प्रकाश अधिक हो गया। ये है नैनो टेक्नोलॉजी का परिणाम। इसी प्रकार आज हम अपने मोबाइल को देखें तो हमारे मोबाइल 80% नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होते हैं। उसके अंदर जो अलग अलग टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं वो सूक्ष्म विज्ञान के आधार पर हम प्रयोग करते हैं। जो भी हम पदार्थ प्रयोग करते हैं उसमें नैनो नैनो पदार्थ, नैनो अर्थात एक नैनोमीटर बराबर। एक नैनोमीटर क्या होता है यदि हम उसको जाने तो 1 अरब अर्थात 100 करोड़वा, 1 मीटर का 100 करोड़वा हिस्से को 1 नैनोमीटर कहते हैं। 100 करोड़वा हिस्सा अर्थात 1 अरबवा हिस्सा। जो हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। उसकी जो साइज होती है वो हम देख नहीं सकते, उसकी जो साइज होती है वो 200 नैनोमीटर होती है। आज पूरा संसार कोरोना वायरस से ग्रसित है, कोरोना वायरस का तांडव मचा हुआ है, लाखों लाखों लोग कोरोना से ग्रसित हुए हैं, हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। यदि उस छोटे से जीवाणु का, उस छोटे से वायरस का यदि हम साइज देखें तो 75 नैनो माइक्रोन्स की साइज होती है उसकी, 75 नैनो माइक्रोन्स की साइज होती है जो वायरस आज है। आज के साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का एक खोज है कि पूरी धरती पर जितना कोरोना वायरस है यदि उन सबको एकत्रित करके यदि उसको तोला जाए तो 3 से 4 ग्राम के भीतर होगा। 3 से 4 ग्राम की मात्रा में जो कोरोना वायरस है वह आज पूरे संसार को हिला रहा है, पूरे संसार को लॉकडाउन से घेर दिया है, सबको परेशान कर दिया, लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, हजारों लोगों की जान ले ली, और एक डर भय जो पूरी दुनिया के दिल में बिठा दिया। कितने? 3 से 4 ग्राम। कितना सूक्ष्म जीव है, कितना छोटा जीव है, उसके माध्यम से इतना उठा अर्थात सूक्ष्म नैनो। इसी प्रकार जो हम यहां यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, इस अग्निहोत्र जब हम करते हैं और वहां पे हम घृत की आहुति देते हैं, घृत को जलाते हैं, जड़ी बूटियों को जलाते हैं, गुगुल आदि से लेकर के जो अलग अलग जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं, तो यह जड़ी बूटियां इस घृत आदि को जब हम जलाते हैं तो उसके माध्यम से जो गैसें और जो पार्टिकल बनते हैं, तीन, कोई भी चीज जलती है तो वहां से 3 चीजें निकलती है, एक तो ऊर्जा, दूसरा पार्टिकल और तीसरी गैसें। तो गैसें तो कई सारी प्रकार की होती है, बहुत सारी गैसें होती हैं, इसी प्रकार पार्टिकल भी। तो जो पार्टिकल होते हैं वह पार्टिकल 40 से 75 नैनो माइक्रोन्स के होते हैं जो यज्ञ के माध्यम से निकलते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोरोना वायरस 75 नैनो माइक्रोन्स का होता है, जबकि उससे भी सूक्ष्म कण यज्ञ के माध्यम से निकलते हैं। आप विचार कीजिए पूरी दुनिया में 3 से 5 ग्राम कोरोना वायरस है टोटल, जितने भी शरीर बॉडीज या जहां फैला हुआ है उन सबको यदि हम एकत्रित करें और तोले, और हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आप विचार कीजिए हम हवन करते हैं उसमें जो हम घी जड़ी बूटियों आदि का हम प्रयोग करते हैं वो इतने नैनो पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं, तो कितना गुना हो जाएगा जो 3 से 5 ग्राम पूरी दुनिया को हिला सकता है, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में फैल करके इतना बड़ा परिणाम दे सकता है। ऐसे ही ये छोटा छोटा जो यज्ञ में हम आहुति प्रदान करते हैं वह द्रव्य भी अनंत गुना होता है।
हमने सामान्य रूप से सुना है कि जो भी पदार्थ जलता है तो उसे अनंत गुना होता है, और सामान्य व्यक्ति की हम विचारधारा को देखें तो उनके मन में आता है कि कोई भी वस्तु को हम जलाते अर्थात नष्ट कर रहे हैं, फूंक रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं। वास्तव में जलाने पर कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है, अभी तो रूपांतरित होती है, अपने रूप को बदल देती है। जो नाश शब्द हम बोलते हैं, नाश कारण लय नश अदर्शन, नश शब्द को यदि हमने नाश शब्द का अर्थ होता है नश अदर्शन, जो हमें पहले दिखाई दे रहा है अब नहीं दिखाई देता उसको कहते हैं नश अदर्शन, जिसको पहले हम देख पा रहे हैं लेकिन बाद में हम देख नहीं पा रहे, नश अदर्शन। और हमारे शास्त्रों में हमें बताएं नाश कारण लय वैशेषिक दर्शन में कोई भी पदार्थ जलता है या फिर नष्ट होता है, जिसको हम नष्ट बोल रहे हैं उसका अर्थ होता है अपने परिणाम में रूपांतरित हो जाना, बदल जाना। तो हम जो यज्ञाग्नि में जो भविष्य प्रदान करते हैं, चाहे वह घृत है, चाहे वह जड़ी बूटियां हैं, गुगुल आदि औषधियां हैं, उसकी जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो वह औषधियां रूपांतरित होती है, परिवर्तित होती है, अपने फॉर्म को बदल देती है, गैस फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो हम जैसे घी का प्रयोग करते हैं, गाय के घी का जब हम प्रयोग करते हैं तो गाय के घी में एक तो विशेष प्रकार के बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, और भी इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रकार के इसमें तत्व होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसी प्रकार पर्यावरण के, इसलिए आयुर्वेद में गाय के घी को सर्पी कहा गया। सर्पी मानी जैसे हम सांप, आप सब लोगों ने सुना होगा सांप क्या कार्य करता है, तो सामान्य व्यक्ति कहेगा डसने का कार्य। सांप डसने का कार्य नहीं अपितु वायुमंडल के अंदर जो जहरीला तत्व है, वायुमंडल के अंदर जो जहरीली गैसें हैं उनको श्वास के माध्यम से अपने शरीर में धारण करता है, इसलिए तो उनके शरीर में जहर एकत्रित होता है और वायुमंडल को शुद्ध करके हमें प्रदान करता है। अर्थात जो सांप है या और भी जो इस प्रकार से जहरीले प्राणी होते हैं, बिच्छू आदि जो भी जीव जंतु होते हैं, वो सब एक इस संपूर्ण समष्टि को एग्जिस्टेंस में चलती है, तो वह इस वायुमंडल के अंदर से जो जहरीले तत्व है उसको ग्रहण कर लेते हैं और वायु को शुद्ध करके हमें प्रदान करते हैं। ऐसे ही इस घी को भी सर्पी कहा है। इसी प्रकार सरसप अर्थात सरसों, सरसों को भी सरसप कहा, सरसों को भी जब हम जलाते हैं, सरसों के जो हम आहुति प्रदान, तो उससे भी जो सूक्ष्म जीव आदि होते हैं या जहरीले कीटाणु या बैक्टीरिया वायरस आदि होते हैं वो दूर होते हैं, विष को दूर करने वाले होते हैं, ऐसे ये घी। और इस घी की जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो घी के अंदर जो तत्व होते हैं, जो केमिकल, वो कई गुना मल्टीपल बढ़ जाते हैं। सामान्य रूप से हम देखें तो वर्तमान साइंस के आधार पे हम यदि 1 ग्राम घी का प्रयोग करते हैं तो वह 1864 गुना बढ़ जाता है, अर्थात 1 ग्राम घृत 1 लीटर 864 ml गैस फॉर्म को धारण कर लेता है, गैस रूप में रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये एक नैनो टेक्नोलॉजी की बात है। आप सामान्य रूप से देखें हम जिस कमरे में रहते हैं, कोई एक सिंगल कमरा हो, उस कमरे को सुगंधित करने के लिए हम रूम स्प्रे का सामान्य रूप से लोग प्रयोग करते हैं। हमारे पास एक 300 ml गैस की बोतल हो और छोटा सा हमारा कमरा है, यदि उसमें हम हर रोज छिड़कते हैं तो साल भर चल जाता है, अर्थात 300 ml गैस से हम 365 कमरे को सुगंधित कर लेते हैं। तो आप विचार कीजिए 300 ml गैस से 365 कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं, तो हम 1 ग्राम घी को जलाते हैं तो उसे 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त हुई, तो उसे कितने गुने कमरे साफ सुगंधित होंगे साहब। दूसरा, हम जब स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो उससे सुगंधित तो होगा लेकिन उससे उस वायुमंडल के अंदर या उस कमरे के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस फंगस या किसी भी प्रकार के कोई भी केमिकल प्रदूषण, जो अलग अलग गैसों का प्रदूषण है, वो यदि वहां पर है तो वह दूर वहां पे नहीं होगा, अभी तो वो केमिकल प्रदूषण को बढ़ाता है। यदि उस
स्प्रे की गंध को यदि हम तीव्र और ज्यादा मात्रा में यदि लंबे समय तक लेते हैं तो कैंसर जैसे घातक रोग होने की भी पूरी संभावना होती है, अलग अलग प्रकार की एलर्जी तक हो जाती है। लेकिन जब हम घृत को जलाते हैं तो घृत की आहुति देने पर वो जलता है और उससे बनने वाली जो गैसें हैं वो वायुमंडल के अंदर जो केमिकल प्रदूषण है उस केमिकल प्रदूषण को दूर कर देती है, उस केमिकल प्रदूषण को ठीक करने का कार्य करती है। इसी प्रकार से अलग अलग कई सारे लाभों को देने वाला होता है घी, हमारे स्मृति शक्ति को बढ़ाता है, हमारी आयु को बढ़ाता है, हमें ऐसा पोषण प्रदान करता है कि हमारा पूरा का पूरा शरीर ऊर्जावान, ओजवान, तेजवान होता है, बलवान होता है। इस प्रकार से हम देखें तो कई सारे लाभ होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, यज्ञ का नैनो विज्ञान क्या है, यज्ञ किस प्रकार से कार्य करता है, उसके सूक्ष्मीकरण में क्या शक्ति है और उससे में कैसे लाभ होता है। इस कई सारे विषयों को लेकर के हम आपके सामने विशेष रूप से इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और आपके सामने तथ्यात्मक जानकारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम छोटा सा यज्ञ, अग्निहोत्र, देव यज्ञ जिसको हम कहते हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं और कैसे करने से हम उसको कैसे कर सकते हैं और करने पर हम कैसे लाभ उठा सकते हैं उसके बारे में हम फिर उसके बाद जानते हैं। तो आप सब लोग अपने घर में इसी प्रकार से जड़ी बूटियां हैं या फिर गुगुल है या काले तिल है या इस प्रकार के जो भी आपके पास अवेलेबल सामग्री है, चावल आदि, उसको आप रख ले। आपके पास संविधा के रूप में जो भी अलग अलग आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास आदि की जो लकड़ी है वो, यदि वो नहीं है, आप गाय के गोबर के कंडे की, जैसे आज हम आपके सामने ये काउ डंग स्टिक इसको कहते हैं, गाय के गोबर से बनी हुई संविधा या लकड़ी, इसके अंदर विशेष प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं उसको मिश्रित करके एक सेप विशेष दे करके उसको सुखा दिया जाता है और ये जलने में भी अच्छी होती है, टूटती नहीं है जल्दी से अग्नि के ऊपर रखने के बाद, और इससे बनने वाली जो गैसें होती है वो भी विशेष करके लाभकारी होती हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि इस स्टिक को जलाने, काउडंग स्टिक को जलाने पर और सामान्य लकड़ी को जलाने पर इसमें और इसमें बहुत सारा अंतर होता है। वो इसके अंदर जो मॉइस्चर की मात्रा होती है वो 6-8% होती है जबकि सामान्य लकड़ी में 25-30% होती है, तो उसको जलने में थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, इस लकड़ी को जलाने के बाद जो वायुमंडल के अंदर गैसें आती हैं उसमें बहुत, और दूसरा जो सामान्य लकड़ी जलाते हैं उसके बाद आने वाली जो गैसें उसमें और उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। दूसरा, इस लकड़ी को जलाने पर और जो सामान्य लकड़ी होती है पेड़ की, उस लकड़ी को जलाने पर इसकी जो एफिशिएंसी होती है सामान्य लकड़ी को जलाने की अपेक्षा इसमें 2.5 गुना एफिशिएंसी ज्यादा होती है, अर्थात इसके अंदर ऊर्जा या ताप देने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो बहुत सारे लाभ हैं इस गाय के गोबर की स्टिक के, और इसके साथ साथ जब इसमें जड़ी बूटियां मिला देते तो और उसमें विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इस लकड़ी का हम प्रयोग ले सकते हैं और ये कुछ ही समय में पतंजलि के सभी स्टोर्स के ऊपर भी ये अवेलेबल उपलब्ध हो जाएगी, तो आप भी सब कर पाएंगे उसके माध्यम से यज्ञ। तो आइए अब हम यज्ञ शुरू करते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना हम गायत्री मंत्र के माध्यम से करते हुए, एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, आचमन आदि क्रिया ये करते हुए हम इस क्रिया को संपन्न करेंगे। अपने दाएं हाथ की अंजलि में पहले जल ले लेते, ये पवित्रीकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए ये विशेष करके लाभकारी होता है और आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं हमें अनिवार्य रूप से और अवश्य रूप से हमें करना चाहिए पवित्रता के लिए, शुद्धि के लिए, और उसके बाद ही हमें यज्ञ, याग आदि या और भी जो भी शुभ या अच्छे कर्म हैं उन सभी कर्मों में हमें प्रवृत्त होना चाहिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। इस प्रकार से आचमन करते हैं। कई लोग रोज यज्ञ करते हैं तो वो आचमन करते हैं तो थोड़ा सा जब हम आचमन करते समय खींचते हैं तो ऐसे आवाज नहीं करनी होती है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था गोविलीय गृह सूत्र आदि में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में जो बताए तो वहां विशेष रूप से आचमन की विधि भी बताए। तो आचमन करते समय ऐसे नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार से अलग अलग रूप में जैसे हम पानी पीते हैं ऐसे भी नहीं करना चाहिए, हथेली में लेकर के बीच वाले हिस्से से इस प्रकार से हम आचमन करते हैं और बिना आवाज किए हुए ओष्ठ को
हाथ को लगाते हुए हम जल को पीते हैं। इस प्रकार से आदर्श आचमन विधि मानी है, अन्यथा इसका जो विशेष लाभ होता है वो नहीं मिलता। दूसरा, कितनी मात्रा में जल ले, तो उतना जल लेने के लिए बोला है कि हमारे कर्ण से लेकर के हृदय प्रदेश तक वो जल पहुंचे, बिल्कुल थोड़ा भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, हृदय प्रदेश तक वह जल जा पाए, इतनी मात्रा में जल लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जल लेकर के हम आचमन अंग स्पर्श करके फिर हस्त प्रक्षालन करते, हाथ को धो देते हैं। उसके बाद दूसरे हाथ में, पहले दाएं हाथ की अंजलि में हमने लिया था, अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर मध्य मारो अनामिका के माध्यम से दोनों उंगलियों के माध्यम से जल को स्पर्श करते हुए, अब एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की विशेष पुष्टि के लिए, उसकी सामर्थ्य के लिए, और जब तक हम जिए तब तक वह इंद्रिया हमारा साथ दे, और यह इंद्रिया जिन कर्मों में प्रवृत्त हो रही है, जिन विषयों में प्रवृत्त हो रही है, वह विषय हमारे लिए कल्याणकारी, भद्र और शुभ हो, इसके लिए हम अंग स्पर्श करते हैं। ओम वांग म आस्यस्तु, ओम नसोर मे प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वामे सहसंतु। सभी अंगों के लिए अंतिम में, और फिर हाथ को पोंछ करके और सीधे बैठते हुए अब हम परमपिता परमात्मा को याद करते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो विधि हमें प्रदान की है 16 आहुति की, उससे पहले हम इसको कर सकते हैं। वैसे सामान्य रूप से दैनिक जो अग्निहोत्र है उसमें हम अपनी श्रद्धा भाव भक्ति के लिए इस प्रकार से ये परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। वैसे हम यदि विधि विधान के अनुसार देखें तो जो विशेष अनुष्ठान है उसमें यह करणीय बताया गया। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत, यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें